कहीं आपके दांत काले तो नहीं हैं, पीले तो नहीं हैं, या फिर वाइट वाइट इस पे धब्बे तो नहीं हैं। तो आज जानिए कि इसके क्या कारण हैं, किस वजह से होते हैं, और इसको हम कैसे, इसका क्या हम इसका उपाय कर सकते हैं, क्या सॉल्यूशन है। ये पेशेंट आए थे मेरे पास पीले दांत लेके, इनकी एक सिटिंग क्लीनिंग की हो चुकी है, आज हम दूसरी सिटिंग करेंगे। तो पहली सबसे ज़्यादा हम जानते हैं कि इनका मेन कारण क्या है। सबसे बड़ा कारण है कि पुअर ओरल हाइजीन। आपने अपने ब्रश, अपने दांतों को ब्रश नहीं किया अच्छे से, रात को ब्रश नहीं कराया खास तौर से, अपने दांतों का ध्यान नहीं रखा है। तो जो सबसे मुख्य कारण है कि सबसे बड़ी है पुअर ओरल हाइजीन। सेकंड नंबर जो काफ़ी लोग नहीं जानते हैं कि हमारी जो फूड आइटम्स हैं जो हम खाने में यूज़ करते हैं, खास तौर से कोल्ड ड्रिंक्स हैं, इनके अलावा चाय कॉफ़ी जो अधिक मात्रा में पीते हैं, उससे भी दांतों पे कालापन या हल्का पीलापन आना स्टार्ट हो जाता है। और सबसे है कि तीसरा मुख्य कारण क्या है कि हमारे दांतों के पीलापन तंबाकू खाने से, गुटखा खाने से, ज़्यादा सिगरेट पीने से, बीड़ी पीने से, इस पे भी हमारे दांतों की जो ऊपरी लेयर होती है, सतह होती है, उसको भी ये कालापन दे देता है। और कुछ पेशेंट्स बोलते हैं कि हमारे वाइट वाइट स्पॉट्स हैं, कि जैसे वाइट वाइट स्पॉट्स हैं हमारे बचपन से हैं या आगे और बढ़ गए हैं, उसमें ठंडा गर्म लगता है, तो इसका कारण है फ्लोराइड। आपने बचपन से या काफ़ी टाइम से एक ज़्यादा फ्लोराइड वाला पानी पिया है, जिससे कि आपके दांतों में जो ज़्यादा फ्लोराइड यूज़ करने से फ्लोरोसिस हो जाता है, उससे दांतों में सफ़ेद धब्बे पड़ जाते हैं, धीरे धीरे ब्राउन हो जाते हैं और उनमें ठंडा गर्म लगना शुरू हो जाता है। तो ये कुछ, और सबसे मेन जो कारण है, जो बचपन में आपको चोट लग जाती है, कोई फेशियल ट्रॉमा हो जाता है, या बचपन में आप गिर जाते हैं तो उस टाइम आपको पता नहीं चलता, बस धीरे धीरे वो दांत आपका कालापन शुरू हो जाता है या फिर वो गिर जाता है बाद में। तो बचपन की जो चोट को आप उसको भी इग्नोर नहीं करना है। तो चलिए हम कैसे इसको, इससे कैसे छुटकारा पाएँ, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ। सबसे पहले कि अपनी हाइजीन, आपको दांतों को ब्रश करना है, सुबह तो आप करते ही हैं, रात को उससे ज़्यादा ज़रूरी है ब्रश करना। और तो अपने डेंटिस्ट को भी जाके आप दिखाइए, अगर आपका पीलापन दूर नहीं हो रहा है तो हम स्केलिंग की सहायता से, ये टेक्निक्स होती हैं हमारे जो मशीन से, हम ये दांतों की क्लीनिंग करते हैं। ये देखिए, इससे दांतों का जो पीलापन है या कालापन है कि 95% तक इसी से कम हो जाता है। तो ये सबसे बड़ा चीज़ है कि आपको अपनी पहले तो हाइजीन पे ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ जो है कि आपको ध्यान रखना है कि आपको जो डाइट में चाय कॉफ़ी जैसे आप लेते हैं, आप नॉर्मल तो लेते ही हैं बट आप कुछ लोग ज़्यादा पीते हैं, तो उसकी मात्रा आप कम करें। स्पाइसी या कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह कम पिएं। और तीसरी चीज़ जो होती है कि फ्लोराइड, जो हम लोग फ्लोराइड लेते हैं, हम पानी में फ्लोराइड, अपने पानी का लेवल ज़रूर चेक करा लें। फ्लोराइड का, ज़्यादा फ्लोराइड का पानी नहीं पीना चाहिए, जो नॉर्मल फ्लोराइड का जो लेवल होता है 1 PPM होता है, तो फ्लोराइड जो आपका जो पानी है एक बार उसका टीट चेक करवा के उसके पिए, क्योंकि फ्लोरोसिस की वजह से आपके जो दांतों पे दाग धब्बे पड़ जाते हैं, वाइट स्पॉट्स होते हैं, खास तौर से जो ब्राउन स्पॉट्स होते हैं उनकी वजह से भी ये फ्लोराइड की वजह से होता है, जिससे कि आपको उसको चेक करा के ही आप एक बार उसके पानी का यूज़ करें। और जो मेन चीज़ है तंबाकू वगैरह, सिगरेट पी, इनका तो सेवन करें, वो वैसे भी आपके दांतों के लिए ठीक नहीं है, बट ना तो धीरे धीरे वो कैंसर का भी रूप ले लेते हैं धीरे धीरे। और मेन जो चीज़ है, आपको जो ट्रॉमा है, जो बचपन में जो चोट लगी है, अगर आप वो अपने उसको भी इग्नोर ना करें और अपने डॉक्टर के पास जाएं कि जो दांतों का कालापन है, कि वो एक्सरे करके देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम है, उसके बाद उस पर कैपिंग या रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बाद कैपिंग का प्रोसीजर होता है, तो आपका ठीक हो सकता है। इसको बचपन की चोट को, दांतों पे जो चोट लगी है उसको भी आप उसको सीरियसली लें। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि ये जो ये सॉल्यूशन है, आप प्लीज़ इन्हें अपनाएं। तो दांतों का कालापन आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बहुत कम कर देता है। आप इसको अच्छे से मेंटेन करके रखें हैं, अपने डॉक्टर को दिखाएं या अपने घर पे ही आप जितना प्रोसीजर यूज़ कर सकते हैं दांतों की सफाई करें, क्योंकि आपकी स्माइल अगर अच्छी होगी तो आपकी पर्सनैलिटी अच्छी होगी और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई रहेगा। तो मैं डॉक्टर दिव्या सिंह, श्री कृष्णा डेंटल क्लिनिक, जर्नली कॉलोनी से, आप मेरे पास ये कुछ सुझाव थे, तो इनको प्लीज़ फॉलो कीजिए। नमस्कार।